देखिए, ये नींबू का पेड़ है और इस नींबू के पेड़ में मैं आज कलम आपको बांध के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बांधा जाता है। तो ये एक छोटी डाली मैंने इसमें से, मतलब बहुत पुरानी नहीं है लेकिन तब भी साल डेढ़ साल की डाली है, उसको चुना और इसको 4 सेंटीमीटर लगभग इसके त्वचा को पूरा छील देना है। त्वचा इसका छील दिया है, छिलका इसका छील देंगे। सबसे पहले इसको देखिए मैं छील रहा हूँ, तो इसी तरह से कि क्योंकि अगर इसके छिलके में ज़रा सा भी जुड़ाव बचा रह गया तो ये ही त्वचा इसकी सप्लाई करती है पानी और खनिज पदार्थ की, जिसके कारण ये पुनः फिर सप्लाई रोक देती है, सप्लाई चालू कर देगी नहीं, सप्लाई जब चालू हो जाती है तो इसमें से इसकी जड़ नहीं निकलती है। तो सबसे पहला काम इसका यही करना होता है कि खूब कायदे से इसको साफ़ करना है। नींबू का पेड़ है तो आपको बचा के करना चाहिए क्योंकि तो इसमें कांटे भी होते हैं। इस तरह से इसको आप साफ़ कर देंगे बिल्कुल साफ स्वच्छता के साथ। साफ़ करने के बाद देखिए हमारी समस्या इसमें ज़रा सा भी कुछ बचा नहीं है, काट दीजिए, थोड़ा नीचे भी कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसके ऊपर ज़रा सा भी त्वचा नहीं रहनी चाहिए। अगर ज़रा सा भी त्वचा बची रह गई तो ये घातक है, ये आपकी रूटिंग नहीं होने देगी क्योंकि ये सप्लाई बना लेती है। ये सप्लाई न बनाने पाए इसके कारण सबसे ज़रूरी है कि इसकी त्वचा को पूरी तरह से साफ़ कर दिया जाए। तो इसकी त्वचा को मैं साफ़ कर दे रहा हूँ। छिलका मतलब एकदम आसानी से छीलना है, नीचे का हिस्सा थोड़ा बहुत कट जाएगा चलेगा लेकिन छिलका नहीं बचा रहना चाहिए। अगर छिलका बचा रह गया तो काम नहीं करेगा, छिलका इसका पूरा साफ़ हो जाना चाहिए। ब्लेड से आप चारों तरफ बाकायदा रगड़ दीजिए, बहुत आसान तरीका है एयर लाइनिंग का इसका। ये साफा साफ ब्लेड है, साफ ब्लेड आप सन घुमा दीजिए चारों तरफ से और एकदम आसानी से देखिए इसमें ज़रा सा भी कोई भी संभावना आपकी न बचने पाए असफलता की। असफलता की संभावना है कि ये त्वचा बची रही। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको करना क्या है, एक एलोवेरा आप जानते हैं ये नेचुरल रूटिंग हार्मोन होता है। एलोवेरा का मतलब ये आपका जो है एलोवेरा, जिसे आप क्या कहते हैं, इसे आप एलोवेरा कहते हैं। एलोवेरा की पत्ती आप ले लीजिए, इसकी पत्ती को ऐसे काट लीजिए और इसकी पत्ती को काट करके आप आसानी से इस तरह से इसको आसानी से ऐसे थोड़ा चीरा मार लीजिए तो घुमा दीजिए और ब्लेड रख लीजिए कहीं सुरक्षित जगह। फिर इसके एलोवेरा को, एलोवेरा ही रूटिंग के लिए बहुत प्योर हार्मोन होती है, ये नेचुरल हार्मोन है। इसका रस चारों तरफ इसको घुमा दीजिए एलोवेरा के रस को और इसके बाद इसी को एक मुट्ठी मिट्टी ले करके और एक पन्नी लगा करके कपड़ा लगा दीजिए तब भी किसी चीज़ से आप बांध सकते हैं। रूटिंग हार्मोन को एलोवेरा को लगाने के बाद आपको सावधानी करना क्या है, ये मिट्टी आप देखिए लिए हैं वो प्लास्टिक की पन्नी है, इसको मैंने धीरे से इसमें फंसाया है और धीरे धीरे मिट्टी इसके पार कर दे रहे हैं कि जिससे मिट्टी चारों ओर हो जाए। ये कमी कभी कभी हो जाती है, मैं थोड़ा सा बिना पैसे का काम करना चाहता हूँ। इसमें मिट्टी देखिए शायद अब चारों ओर घूम गई है, हाँ अब मिट्टी इसकी चारों ओर घूम गई है बढ़िया से। तो आप इसको दबा दीजिए, करना क्या है इसको बढ़िया से दबाना है, बढ़िया से बिना संकोच के खूब दबा दीजिए। और दबाने के बाद करना क्या है आपको, ये मिट्टी आपकी बन गई है, अब इस पर मिट्टी जो आपने दबाया है इसके ऊपर एक रस्सी लगाइए और बढ़िया से रस्सी को पकड़िए और बांधते जाइए खूब खींच के। ढीलापन होगा तो फिर गड़बड़ी पैदा हो जाएगी, इसलिए ज़रा सा भी इसमें ढीलापन नहीं रखना है आपको, खूब कायदे से खींच देना है और बांध देना है। देखिए मैं बिल्कुल यूजलेस चीज़ें यूज करके बना रहा हूँ, साड़ी है उसको बांधा हूँ, कपड़ा रस्सी बनाया हूँ,
ये जो नमकीन आदि का पैकेट बच्चे खाते हैं उसको यूज करता हूँ, बिना पैसे के सब कुछ करना चाहता हूँ। ये सब नर्सिंग वाला काम बिना पैसे के ही करता हूँ। अब इस पे से देखिए इतना टाइट बंधा गया है कि हिलने वाला नहीं है, फिर भी टाइट कर देते हैं दो तीन बार। और इस जब ये बंधा जाएगा तो चलिए टूट गया तो कोई बात नहीं है, बांध देते हैं। इतना हो गया, बहुत हो गया, काम भर की इसकी बधाई हो गई है। अब इसको करना क्या है, बधाई के बाद आपको 45 दिनों तक वेट करना है, कम से कम मिनिमम 45 दिन वेट करना है, उसके बाद आपको देखना है। देखिए 45 दिन बीत चुका है और 45 दिन के बाद आप कलम की तरफ चल रहे हैं, तो हम पहले इसको धीरे से इसके जो साड़ी के रस्सी बांधा हमने साड़ी से उसको देखते हैं। अब देखिए इसमें वाह जड़े देख लीजिए आपके सामने हैं, ये जड़ें निकली हुई हैं, कुछ जड़ें आ चुकी हैं और काफ़ी लंबी लंबी जड़ें हैं। ये देखिए आपके सामने जड़ें हैं, तो इन जड़ों को देख करके आपको लगता होगा कि ये कलम निश्चित रूप से अब सफल हो जाएगी। मिट्टी को थोड़ा सा मैं जड़ से निकाल दे रहा हूँ क्योंकि इसकी कटिंग यहाँ पेड़ से करनी है। तो फिर अब ये किसी तेज़ धारदार चाकू से तो आप काट नहीं सकते, इसलिए मैं सरवता यूज कर रहा हूँ। इस सरवते से इसकी डाली को धीरे से काट लेता हूँ। देखिए ये कट गया और अब ये आपका कलम, देखिए ये देखिए आप जड़ देख रहे हैं, कितनी सुंदर जड़ दिख रही है आपको इसमें। ये एक जड़ आपको देखते हुए आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको लगा देना है और लगा करके इसमें थोड़ी सी पानी दे देना है। पानी इसमें जल डालना पड़ेगा कि नमी बनी रहे, और उसके बाद आप देखेंगे आपका नींबू बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा क्योंकि फल इसमें जल्दी आएंगे, ये कटिंग का है। धन्यवाद। तो अब आप देखिए, तो आप यूज करिए इसको और आप इस तरह के छोटी छोटी बातों को सीखिए, प्रयोग करिए और चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।